नमस्कार फ्रेंड्स, प्रयाग मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की रेसिपी इडली। जी हाँ, इडली वही आसान सी इडली जिसको कि मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करके बनाया है, जिससे कि जब भी आप इडली बनाएंगे तो हर आदमी इडली को देख के इतना इम्प्रेस होगा कि हाय ये कैसे बनाई है। तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक से हम कई तरीके से ऐसे खूबसूरत इडली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हम डिजाइनर इडली कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें एक कटोरी सूजी डाल देती हूँ। ये मेजरिंग कप से लिया है मैंने, आप चाहे तो एक कटोरी का माप रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने आधा कटोरी दही और आधा पानी मिला दिया है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको एक विप्स की मदद से इस तरीके से इसमें हिलाती रहूंगी। इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, देखिएगा। हम इसको हिलाते रहेंगे, उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे, जिससे कि सूजी इसमें अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसको हम ढक के रख देते हैं, 15 मिनट बाद चेक करते हैं। ये मैंने माइक्रोवेव का एक स्टीमर लिया है जिसमें मैं इडली बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसको निकाल के इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे हम और इसको वापस से रख देंगे। अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा ऑयल से कोट कर देते हैं। ऑयल से कोट करने के बाद मैंने मीठा नीम जो है, जिसकी कोमल कोमल पत्तियाँ होती हैं, वो मैंने इसमें इस तरीके से सेट कर दी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न लगाएंगे। तो मैंने इस तरीके से स्वीट कॉर्न को सेट कर दिया है, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं एक बार। बैटर हमारा लगभग तैयार है बिल्कुल। इसके अंदर हम एक चम्मच इनो फूड सॉल्ट डालेंगे। उसको हम जल्दी से अच्छे से हिला देंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फटाफट इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसको हम जल्दी जल्दी हिला के और इसके अंदर फिल कर देते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत फ्लफी हो गया ये, देख पा रहे हैं आप। इसको हम जल्दी से फिल कर देते हैं, बहुत आहिस्ता से हम इसको फिल करेंगे जिससे कि हमारा डिजाइन ना खराब हो। बहुत ही खूबसूरत इडली बनती है इस तरीके से। और भी कई डिजाइन होते हैं अलग अलग तरीके के, कलरिंग के हिसाब से भी होते हैं अलग अलग कलर, जैसे भी आप इडली को इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने ये सबसे सिंपल मेथड आपको बताया है, बनाने वाला भी खुश, खाने वाला और खिलाने वाला सब खुश। बहुत डिलीशियस बनती है इडली। अब दोनों सांचों में हमने इडली को, बैटर को डाल दिया है। अब हम इसको ढक्कन से ढक कर माइक्रोवेव में रख देते हैं। माइक्रोवेव में रख के हम इसके अंदर 6 मिनट का टाइम सेट कर देंगे। उसके बाद आप 1 मिनट और भी लगा सकते हैं, तब तक हमारी इडली इसमें तैयार हो जाएंगी। 6 मिनट मैंने इसमें सेट कर दिए हैं, अब माइक्रोवेव को हम चालू कर देते हैं। 6 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं, 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने 1 मिनट और इसको लगा रही हूँ। स्टीमर को खोल के देख लेते हैं, इडली हमारी रेडी है। अब इसको ठंडा होने पर हम चक्कू की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिएगा कितनी खूबसूरत इडली निकली, वाओ बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है किसी ने इसको इस तरीके से पेंट कर दिया है, कितनी खूबसूरत इडली बनी है। तो तैयार है हमारी इडली, चावल और सांभर, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देखकर, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत डिलीशियस यम्मी बनी है ये। आपको मेरी इजी सी ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो देखा ना आपने, एक सिंपल सी ट्रिक से कितनी खूबसूरत इडली बनी है, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर दी इडली को। तो आप भी बनाइए और अपने प्रियजन को खिलाइए और बताइएगा कि कैसी बनी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ये भी बताइएगा कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले रेसिपी में।